हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ डीएस राणा जी जुड़ गए हैं। डीएस राणा जी डायरेक्टर हैं गंगाराम हॉस्पिटल। डीएस राणा जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपसे जानना चाहूंगी सर, आपने वैक्सीनेशन आज कराया है और बड़ी संख्या में, क्योंकि आपके हॉस्पिटल में भी लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है उन सबका? मेरा जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई वो सारे खुश हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और सब ने अपनी इच्छा से लगवाई, अपनी खुशी खुशी लगवाई है और खुशी खुशी के वातावरण में उन्होंने अपने आपको वैक्सीनेट कराया है। सारियों को वैक्सीन लग गई है, सारे किसी को भी कोई किस्म का। राणा जी आपसे जानना ये चाहूंगी कि क्या चुनौतियां अभी आपको लगता है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, आज पहला दिन है, क्या चुनौतियां हैं जिनके लिए तैयार रहना है इस वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरी तरह से अगर सफल बनाना है देश में? इसमें चुनौती नहीं है, चुनौती अभी कुछ जो एक हफ्ते या 10 दिन से चला है कि एक सस्पेंस डाल दिया है कि साइड वैक्सीन से कई साइड इफेक्ट हो जाएंगे या वो हो जाएगा, पर हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारे पास एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यदि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सबसे पहले उसका काम है कि सेफ्टी देखना, एफिकेसी की बात लग है कि 70% है, 80% है, 90-95% है, पर सबसे पहले किसी भी ड्रग की सेफ्टी देखी जाती है और वो सेफ्टी ऑलमोस्ट सेकंड फेज में पता लगता है, थर्ड फेज में पक्का हो जाता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी पर जो है हमें भरोसा रखना चाहिए कि उनको भी, उनकी भी तो आफ्टरऑल यदि कुछ भी हो जाता है तो उनकी जान खतरे में आएगी। बिल्कुल, तो सेफ्टी है ड्रग की और मेरे ख्याल में सारे शक जो है एक हफ्ते में दूर हो जाएंगे। आई एम वेरी श्योर कि आज क्या है, आज सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे को आप एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई लगाने को तैयार नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डीएस राणा जी, और ये बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि हमें अपनी संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए, हमारी जो संस्थाएं हैं उनके मापदंड पर भरोसा रखना चाहिए। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।